यूं तो पीरियड्स महिलाओं में होने वाली एक स्वाभाविक और नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन इस टाइम बहुत सी लेडीज को दूसरी और भी कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और उनमें से हैवी पीरियड्स होना सबसे बड़ी परेशानी है। हैवी पीरियड्स के कारण मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स यानी मासिक धर्म में होने वाला दर्द भी ज्यादा होता है, जो ना दिन में चैन लेने देता है ना रात में। बहुत ज्यादा पीरियड्स आने या लगातार 7 दिन से ज्यादा टाइम तक पीरियड चलने के कारण खून की कमी के चलते थकान और सांस लेने में परेशानी होने लगती है और फिर ये प्रॉब्लम धीरे धीरे परमानेंट हो जाती है। अब इस प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पहले तो हानिकारक केमिकल्स वाली दवाएं खाने की सलाह देते हैं, जिनको जिंदगी भर पीरियड्स के दौरान लेना पड़ता है। बाद में मासिक धर्म का चक्कर ही खत्म कर डालने के लिए ऑपरेशन करा के यूट्रस निकाल देने की सलाह देते हैं, जो शरीर में फेफड़ों और दिल की गंभीर बीमारियों को पैदा करके लाइफ खराब कर देता है और फ्यूचर में माँ बनने की पॉसिबिलिटी भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जबकि आप अपने घर पर ही बेहद सस्ते और आसान घरेलू नुस्खों की हेल्प से अपनी हैवी पीरियड्स की इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हैं। ये घरेलू नुस्खे जबरदस्त कारगर होते हैं और पूरी तरह सेफ भी होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनिया गोयल और ई कुंजी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। हैवी पीरियड्स को पहले दिन से ही काबू करके ठीक कर देने वाला एक जबरदस्त नुस्खा आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे तुलसी की 5 पत्तियाँ और इनको एक खरल या कुंडी में डाल लेंगे और थोड़ा सा मसल लेंगे। तुलसी की पत्तियों को थोड़ा सा मसलने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच पानी और पानी के साथ इनको फिर से अच्छी तरह से मसल लेंगे। अब हम तुलसी के पत्तों के इस पानी को चलनी में से छान लेंगे ताकि तुलसी के पत्तों का 1 चम्मच रस हमें मिल जाएगा। तुलसी के पत्तों के इस 1 चम्मच रस में हम 1 चम्मच शहद डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। बस इतनी आसानी से हमारा हैवी पीरियड्स खत्म करने वाला नुस्खा बनकर तैयार हो गया है। अब इसको यूज करने का तरीका देख लेते हैं। आपको ये नुस्खा बनाकर सुबह नाश्ते के आधा घंटे बाद एक बार में पूरा पी लेना है। आप चाहें तो ऊपर से 1-2 घूंट पानी भी पी सकते हैं, लेकिन इस नुस्खे के तुरंत बाद ज्यादा पानी नहीं पिए, वरना ये डाइल्यूट हो जाएगा और असर नहीं करेगा। जिनको हैवी पीरियड्स पहली बार हुआ है या नया नया है, उनको इस नुस्खे से 3 दिन में ही हैवी पीरियड्स पूरी तरह काबू में आ जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। हैवी पीरियड्स की बीमारी बहुत पुरानी होने पर इस नुस्खे को 15 दिन तक रोजाना सुबह शाम 2 बार लेना चाहिए। इससे 2 हफ्तों में पुराने से पुराना हैवी पीरियड्स भी ठीक हो जाता है। अब जो सावधानियां रखनी है वो भी देख लीजिए ताकि हैवी पीरियड्स फिर से दोबारा नहीं हो। पानी से भरपूर चीजें जैसे खीरा, तरबूज वगैरह खूब खाने चाहिए ताकि शरीर में लिक्विड्स की कमी नहीं हो। आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खूब खानी चाहिए क्योंकि पीरियड्स के दौरान ब्लड लॉस होकर आयरन की कमी हो जाती है। हरी पत्तेदार सब्जियां इस कमी को पूरा कर देती हैं, जिससे चक्कर, थकान और बॉडी पेन नहीं होते हैं। मीठे फल भी आपको खूब खाने चाहिए ताकि शरीर को लगातार एनर्जी मिलती रहे। तो दोस्तों, बस आप ये नुस्खा यूज कीजिए और घर बैठे अपनी हैवी पीरियड की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत ही आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए ई कुंजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।